अस्सलाम वालेकुम। आप डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम की वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो छठी जमात के मवाद के लिए बनाई गई है। ये वीडियो नंबर 14 है, जो बाब 5 के हवाले से है। इस बाब का नाम है स्क्रैच में प्रोग्रामिंग का तारुफ। इस वीडियो में हम से ब्लॉक, चेंज कलर ब्लॉक और ग्रीन फ्लैग को लागू कर सकेंगे, बैकड्रॉप को ऐड कर सकेंगे, म्यूजिक टैब एंड कॉस्ट्यूम टैब को खोज सकेंगे और एनिमेट और ड्रॉ कर सकेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं से ब्लॉक की। ब्लॉक टैब्स में लुक्स के टैब पर टैप करें। लुक्स का टैब हमें पर्पल यानी जामनी रंग का नजर आता है। लुक्स के टैब में हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिनकी मदद से हम स्प्राइट के सलूक पे इख्तियार हासिल कर सकते हैं। लुक्स के टैब में से ब्लॉक को प्रेस, होल्ड एंड ड्रैग की मदद से स्क्रिप्ट पिलाकर छोड़ दें। से ब्लॉक में जहाँ हेलो लिखा है, वहाँ हम अपने मामूल के हिसाब से लिख सकते हैं। हेलो वाली जगह आप टैप करें और लिखें आई एम ह्यूमन। अब से ब्लॉक के ब्लॉक पर जामनी हिस्से पर टैप करें। टैप करने पर इसका आउटपुट स्टेज पे नजर आएगा। अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और से ब्लॉक को अपने पास स्क्रैच में इस्तेमाल करें। हमारे पास स्क्रैच में से ब्लॉक दो तरीके के होते हैं, एक से ब्लॉक और दूसरा से ब्लॉक फॉर 2 सेकेंड्स। पहला वाला से ब्लॉक से आउटपुट पे स्प्राइट के ऊपर एक क्लाउड बना हुआ आता है, जो जब तक रहता है जब तक प्रोग्राम स्टॉप नहीं किया जाता। जबकि से फॉर 2 सेकेंड्स वाले ब्लॉक से कैच स्प्राइट के ऊपर क्लाउड सिर्फ 2 सेकेंड के लिए नजर आता है, फिर गायब हो जाता है। आइए अब हम चेंज कलर का ब्लॉक इस्तेमाल करना देखते हैं। चेंज कलर का ब्लॉक स्प्राइट का रंग बदलने में काम आता है, जिसको आप बहुत सी एनिमेशन जैसे प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक्स के टैब में हमारे पास चेंज कलर का ब्लॉक चेंज कलर इफेक्ट के नाम से मौजूद है। लुक्स टैब पे टैप करें, फिर चेंज कलर के ब्लॉक को टैप, होल्ड एंड ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में लाकर छोड़ दें। स्क्रिप्ट एरिया में ब्लॉक को टैप करें और अब आप देखेंगे कि स्टेज पे कैट ने अपना रंग बदल दिया है। अभी तक हमने स्टेज पे आउटपुट को देखने के लिए ब्लॉक पे टैप करके स्क्रिप्ट को रन किया है, लेकिन क्या कोई और भी तरीका मौजूद है जिससे हम अपनी स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं? जी हाँ, स्टेज के ऊपर हमारे पास दो बटन मौजूद हैं, जिसमें एक रेड बटन है जो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए है और दूसरा ग्रीन फ्लैग है जो प्रोग्राम को रन करने के लिए है। इस बटन को रन करने के लिए हमें एक मखसूस ब्लॉक को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका नाम है व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। ये ब्लॉक हमें इवेंट्स के ब्लॉक टैब में मिलता है। क्या ये ब्लॉक हमें अभी तक इस्तेमाल किए हुए ब्लॉक से मुख्तलिफ नजर आ रहा है? जी हाँ, ये ब्लॉक हेड ब्लॉक्स कहलाते हैं, जो सिर्फ स्क्रिप्ट के सबसे ऊपर की तरफ लग सकते हैं। जिन स्क्रिप्ट्स के ऊपर ये ब्लॉक लगता है, वो ब्लॉक ग्रीन फ्लैग से चल सकता है।
आइए इसको अपनी स्क्रिप्ट के साथ जोड़ के देखते हैं। इवेंट्स के टैब पे टैप करें और व्हेन फ्लैग क्लिक को टैप, होल्ड एंड ड्रैग की मदद से स्क्रिप्ट एरिया पे लाके छोड़ दें। अब बनाई हुई स्क्रिप्ट को व्हेन फ्लैग क्लिक के ब्लॉक के साथ जोड़ दें। अब ग्रीन फ्लैग पे टैप करें और स्क्रिप्ट का आउटपुट स्टेज एरिया पर देखें। अपनी वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करें और इस ब्लॉक को अपने पास इस्तेमाल करके देखें। वीडियो के इस हिस्से में हम देखेंगे कि बैकड्रॉप कैसे ऐड करते हैं। हम बैकड्रॉप को स्टेज पे ऐड करते हैं। ये स्टेज के बैकग्राउंड की तरह नज़र आता है। सबसे पहले स्टेज को स्टेज पेन से टैप की मदद से सेलेक्ट करें, जो आपको स्प्राइट पेन की दाएं जानिब नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि स्टेज पेन के ऊपर एक प्लस साइन मौजूद है। प्लस साइन को डबल टैप करें, जिससे बैकड्रॉप्स के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें से अपनी पसंदीदा बैकड्रॉप को टैप करें और आप देखेंगे कि स्टेज पे बैकड्रॉप जाहिर हो जाएगा। अपनी वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और बैकड्रॉप को अपने पास स्क्रैच में ऐड करें। ब्लॉक टैब में से इवेंट ब्लॉक्स पे टैप करें और व्हेन कीप प्रेस्ड ब्लॉक को टैप, होल्ड एंड ड्रैग की मदद से स्क्रिप्ट एरिया पर लेकर आएं और उसको टैप करें। क्या आउटपुट पे कुछ नज़र आ रहा है? इस ब्लॉक को टैप करने पर आपको आउटपुट पे कुछ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये ऐसा ब्लॉक है जो कीबोर्ड की कीज़ की मदद से चलता है। क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड नहीं है, इसलिए हम इस ब्लॉक को अपने टैबलेट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्क्रैच में एनिमेशन जैसे प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, इसीलिए हम जो स्प्राइट्स का इस्तेमाल करते हैं वो बज़ाहिर एक से ज़्यादा एक्शन स्टेज पे दिखा सकती हैं। इन एक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हम लुक्स में से नेक्स्ट कॉस्ट्यूम नेम का ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। लुक्स में से नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के ब्लॉक को टैप, होल्ड एंड ड्रैग की मदद से स्क्रिप्ट एरिया पर लाके छोड़ दें। अब इस ब्लॉक को टैप करें और आप देख सकते हैं कि स्टेज पे स्प्राइट अपने एक्शंस बदल रही है। आइए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें स्प्राइट एक वॉक की एनिमेशन करके दिखाएगी। सबसे पहले व्हेन फ्लैग क्लिक्ड का ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर टैप, होल्ड एंड ड्रैग के जेस्चर की मदद से स्क्रिप्ट पे ले आए। फिर मोशन ब्लॉक्स में से मूव 50 स्टेप्स को टैप, होल्ड एंड ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया पे मौजूद ब्लॉक के साथ जोड़ दें। फिर लुक्स में से नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को टैप, होल्ड एंड ड्रैग करके स्क्रिप्ट में जोड़ दें। अब स्टेज के ऊपर मौजूद ग्रीन फ्लैग को टैप करें और स्टेज पे आउटपुट पर गौर करें। अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इस स्क्रिप्ट को अपने पास दोहराएं। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और टास्क की स्क्रिप्ट बनाएं। इस टास्क में आपको स्प्राइट के साथ मंदरजा ज़ेल काम करवाने हैं। ये जवाबात पिछले दिए गए टास्क के जवाबात हैं। अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और अपने जवाबात मिलाएं। अगर आपके जवाबात सही हैं तो बहुत खूब, और अगर नहीं तो जवाब की इसलाह करें। हम अपनी अगली वीडियो में
डीएलपी की ट्रेनिंग वीडियो नंबर 15 देखेंगे, जिसका उन्वान है एल्गोरिथमिक सोच 2। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।